मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की जनपद पंचायत कैलारस के किसरौली गांव स्थित प्रमुख तालाबों से अवैध रूप से पत्थरों की खुदाई कर उसे बेचने का गोरख धंधा बड़े पैमाने पर चल रहा है। इस गोरख धंधे में करोड़ों रुपए के तालाब बनाने वाले सरपंच पति देव सिंह कुशवाहा प्रशासन से साठ गांठ कर रोजाना सैकड़ों ट्रॉली अवैध रूप से पत्थर की बेच रहे हैं। इस मामले पर जनपद पंचायत सीईओ सहित एसडीएम अंकिता धाकरे भी जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं करती हैं। दरअसल पंचायत विभाग के अधीन आने वाले तालाबों से उत्खनन का और मिट्टी खोदने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर कोई खनन करता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई प्रशासन को करनी होती है, लेकिन किसरौली ग्राम पंचायत में खुलेआम सारे नियमों को ताक पर रख माफिया सरपंच पति देव सिंह कुशवाहा अपनी मनमानी करते हुए जमकर खुदाई करने में लगे हैं और यहां से रोजाना 100 से ज्यादा ट्रैक्टर पत्थर के खंडे सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध तरीके से बेची जाती है। इस वक्त मौजूद है जनपद पंचायत कैलारस की ग्राम पंचायत किसरौली में। किसरौली ग्राम पंचायत में इतने अधिक तालाब निर्माण कराए हैं, लेकिन सभी तालाब आज सूखे हुए पड़े हैं। यही नहीं कि इन तालाबों से किस तरह माइनिंग विभाग की बिना परमिशन के यहाँ से खंडे निकाले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रैक्टर लगा करके ये खंडे निकाले जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों के तरफ यहाँ के जनपद सीईओ, जिला पंचायत सीईओ या अन्य विभागीय अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। लाखों रुपए का पत्थर का अवैध उत्खनन यहाँ के दबंगों द्वारा, सरपंचों द्वारा, सचिवों द्वारा शासकीय संपत्ति पर लगातार डांका डालने का काम ये चल रहा है। इस ओर प्रशासन का कोई भी अधिकारी या कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर इन पर नकेल कसने वाला नहीं है। माइनिंग विभाग ने किसी प्रकार की कोई यहाँ पर कार्रवाई नहीं की है। इसकी सूचना कई बार यहाँ के तहसीलदार और एसडीएम को दी गई, लेकिन एसडीएम हमेशा यही कहती हैं कि आप लिखितम आवेदन दीजिए, तब आपके आवेदन पर कार्रवाई होगी। शासन की भूमि से अवैध रूप से किस तरह यहाँ से खंडे निकाले जा रहे हैं आप देख सकते हैं। लाखों रुपए का पत्थर का जिस तरह अवैध रूप से यहाँ से निकाला जा रहा है, शासकीय पत्थर को अवैध रूप से निकाल कर बेचा जा रहा है, लेकिन प्रशासन के नुमाइंदे आंख पूंछ कर बैठे हुए हैं। कैमरामैन ललित तोमर के साथ सत्येंद्र सिंह सिकरवार।